आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से, जहां विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार ने जन समस्याओं को सुना, इनके समयबद्ध निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं अपर सचिव ने बताया कि आज शिविर में कुल 21 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशित किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां कानपुर देहात के अग्निकांड के मामले में पुलिस ने लोकप्रिय कवित्री नेहा सिंह राठौर को नोटिस थमाया और इस मामले में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अवैधानिक और असंवैधानिक बताया है, बल्कि इसे मौजूदा सरकार की ओर जन विरोधी और तानाशाही प्रवृत्ति का एक नमूना बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने के लिए पूरी तरह से आमादा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस की घोर निंदा करता है। हमारा यह मानना है कि यह नोटिस पूरी तरह अवैधानिक है और साथ ही मौजूदा सरकार की मानसिकता को पूरी तरह सामने लाता है। अधिकार सेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज ही उनके ससुराल अंबेडकर नगर में जाकर उन्हें सम्मानित करेगा और उनकी हौसला अफजाई करेगा। प्रयागराज में आगामी 25 और 26 फरवरी को महाशक्ति शंखनाद कार्यक्रम के तहत विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिद्धाश्रम सिरमौर के भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ श्रद्धाश्रम ट्रस्ट के संचालक परमहंस योगी राज शक्तिपुत्र महाराज ने अधर्म का नाश, सत्य धर्म की स्थापना और समाज कल्याण के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित करते हुए संगठन के अधिकारियों ने सिविल लाइंस के जेड आर्डर गार्डन में प्रेस वार्ता की है। माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा एवं परमहंस योगी राशि शक्तिपुत्र महाराज के आशीर्वाद से पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दर्शन धाम एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 126वां महाशक्ति संगनाथ का कार्यक्रम प्रयागराज संगम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मानवता के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करना, मानव को नशे मांग से मुक्त कराकर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा एवं मानवता की सेवा की ओर बढ़ाना, और मुझे उम्मीद है लगभग 1 लाख के आसपास लोग इस शंखनाद करेंगे इस कार्यक्रम। जनपद कानपुर देहात में जलकर हुई मां बेटी की मौत के प्रकरण में जनपद कानपुर देहात जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत और रैया सदर तहसील क्षेत्र के साईं मंदिर पहुंचे। वहीं मौके पर राकेश टिकैत ने स्वागत में जनपद औरैया की टीम मौजूद रही। इस दौरान मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह कानपुर देहात जा रहे थे, यहां पर जाते समय रुके सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार बेलगाम है, सरकार जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है, सरकार का जो बजट है वो भी किसी काम का नहीं है, MSP कानून क्यों नहीं लागू करती सरकार। गन्ने का भुगतान है, आलू की बेल्ट है, सरसों का है, लागत के आधार पे हो रहा। हमने कहा है MSP गारंटी कानून ले आओ, ये जो MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी उसका कानून बना दो। कानून बनाते नहीं, वैसे ही कर रहे, लाभ दे रहे, खेती करने वालों को तो लाभ है नहीं, खेत की जमीन बेचने वालों को लाभ जरूर हो सके। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में होमगार्ड के बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने हत्या का शव नहर किनारे फेंक दिया। वहीं शव को देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में तड़के सुबह एक युवक का शव मिलता है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये बयान आता है कि जांच जारी है और शव मिलने की वजह क्या है। मृत
तक है उसके इंतजाम। सीएम आवास में पहुंचे गए और गुमगान कहा ये भी जा रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि मृतक शादी में आया था लेकिन किसी कारणवश वो पॉलिटेक्निक गया, उसके बाद से घर नहीं लौटा और घर लौटा तो चार कंधों पे लौटा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गहनता से लिया है और कई टीमें जाँच के लिए लगा दी। फिलहाल देखना ये भी दिलचस्प होगा कि पुलिस इस घटनाक्रम पर कोई कब खुलासा करती है और इसकी मौत हुई है या फिर इसे मारा गया। कैमरा नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी संभल पहुंचे और उन्होंने मदरसा कर्मियों की समस्याएं सुनी और मदरसा संचालकों शिक्षकों से बात किया कि मदरसों को आधुनिकीकरण के अंतर्गत सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए और गुणवत्ता कैसे लगाई जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और मदरसे में अधिकतर शिक्षा ग्रहण करने गरीब समाज के लोग ही जाते हैं। उनसे हम बात करें कि मदरसे का आधुनिकीकरण के अंतर्गत जो मदरसे चल रहे हैं उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए और गुणवत्ता उसमें कैसे दी जाए। लेकिन ये शुरू से ही हम देख रहे हैं कि हमारे जो आधुनिकीकरण के टीचर हैं उनकी सैलरी पे जो केंद्रांश का विराम लगा हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे 24-25 हज़ार टीचर हर तरफ से गुहार लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो विराम लगा दिया गया है या लगने वाला है इस पे इससे अंकुश हटाया जाए और हमारे जो टीचर्स हैं उनकी आधुनिकीकरण के अंदर। खबर मैनपुरी से है जहां टाटा कंपनी के पदाधिकारियों एवं परनाहल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ब्रांडेड कंपनी टाटा का डुप्लीकेट नकली फैक्ट्री से लाखों रुपए का नकली नमक बरामद किया है। वहीं फैक्ट्री संचालक व कारीगर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। नमक बिकने की सूचना उनके जो टाटा कंपनी के तरफ से लोग आए थे उन्होंने ये सूचना पुलिस को दी कि कुछ दुकानों पे हमारा जो प्रोडक्ट है टाटा साल्ट का उसके नकली बेचा जा रहा है। इस पर थाना बरनहाल पुलिस भी उनके साथ मदद में गई और उन्होंने छापा मारकर करीब 1 केजी के 393 पैकेट्स पकड़े जो उन्होंने नकली बताए कि उसमें कॉपीराइट का उल्लंघन करके वो बेचा जा रहा है। इसके अलावा 500 ग्राम के। खबर गाजियाबाद से जहां पुलिस ने मुरादनगर में हुए डॉक्टर शमशाद हत्याकांड का गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं DCP ग्रामीण रवि कुमार ने बताया कि मृतक डॉक्टर शमशाद की हत्या उसके ही रिश्तेदार और इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अदनान ने कराई थी, क्योंकि अदनान और उसकी बीवी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर अदनान ने डॉक्टर शमशाद की 2 लाख रुपये में मेरठ निवासी शूटरों को सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 फरवरी को रात्रि में उसके आवास पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इसी घटना के संबंध में अनावरण में कई टीमों का गठन किया गया था, खासकर क्राइम ब्रांच और ग्रामीण पश्चिमी की टीम और थाना मुरादनगर की टीमों को का गठन कर उसके बाद CCTV फुटेज और अन्य टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और मुखबिरों के से जानकारी प्राप्त करते हुए इन 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ में जानकारी इकट्ठा हुई है कि मुख्य जो पूरा साजिश का मास्टरमाइंड था वो अदनान था, वो ये थाना लिसाड़ी गेट का रहने वाला है और अभी फरार चल रहा है। उसके बीच में अन्य सहयोगी भी रहे हैं। खबर औरैया से जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर नवल सिंह निवासी एक व्यक्ति ने गांव के ही 10 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है और पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंग युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की और गृहस्थी का सामान तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी। सर हम तो अजय नहीं, घटना पिताजी के साथ हुई थी। पिताजी से 500 रुपये ले रहे थे, 200 रुपये ले रहे थे, हमने 500 उनको दिए, अपने पिताजी से नाने हमने दे दिया उनको। फिर उनके बाद जे आए हमारे गए निमंत्रण से घेर लिया। पैसे क्यों मांगे उन्होंने? दारू पीने के लिए। जिन्हें पैसे मांगे हैं और जिन्हें मारपीट की है क्या नाम है उनका? सेवा, सोनू,
और मोहित और बेटा मेंडेस और पिंटू। शिव सिंह जो सेंगर है, शिव सिंह सेंगर के घर पे कुछ 5-7-10 लोगों ने जो है लाठी डंडे से अटैक किया, ऐसा बताया गया है, जिसपे तत्काल मौके पर पुलिस गई तो 3 लोगों को कुछ चोटें आई थी, जिसमें से 2 साधारण चोटें हैं और एक विशाल सेंगर जिनके सर पे चोट है उसको सीटी स्कैन के लिए रेफर किया गया है। इसमें शिव सिंह की तहरीर पर 10 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों की अरेस्टिंग भी हो गई है और शेष की अरेस्टिंग के लिए टीम्स गठित कर दी गई हैं। खबर गोंडा से, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोकपुरे गांव तरफगंज तहसील क्षेत्र के जीएस लैंड पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बता दें कि अवैध कब्जे को मुक्त करने के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें फूसे से बने 9 से अधिक दलित परिवारों के आशियाने को धराशायी कर दिया गया, जिसके बाद दबंगों ने उसी आशियाने को आग लगा दी, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। सुनीता नाम है, खेमपुर रहे वाले हैं और जम बाटा ही 9 जने रहना, 6 छप्पर धरे रहना, सब जलाए दिन लल्लू से प्रधान साथे रहे हैं, प्रसाद हमके साथे सारा सामान जल गया, हमें सबका खाली न्याय चाहिए, हमें सबका हूँ बस आवाज आए। मैं खेमीपुर अशोकपुर थाना नवाबगंज से हूँ, जिला गोंडा। एक घटना हुई हमारे यहाँ, लेखपाल साहब, तहसीलदार, कानूनगो साहब सारे लोग आए पुलिस फोर्स के साथ और जेसीबी साथ में लेकर आए। हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान पवन सिंह और उनके साथ लल्लू सिंह आए, उसके बाद जेसीबी से उसे गिरवा दिए और हम लोग बहुत मिनती करते रहे कि साहब मत जलो और साहब उसमें जो है हमारे कपड़े थे, राशन पानी, बर्तन, जितना सर सामान सब उसी में जल गया साहब। उसके बाद जेसीबी से उसे उल्टवा दिए, नलका तोड़वा दिए सर, इसका मुझे कुछ पता नहीं, ना हमें नोटिस मिली ना कोई खबर मिली पहले से। परसों वहाँ के अशोकपुर गांव के उस दलित परिवार का सदस्य और भीम आर्मी के लोग आए थे, अपना उन्होंने अपनी बात बताई थी कि वहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है, आग लगाई गई है। मैंने उनको सुना और उस मामले को मैंने SDM तरफगंज के लिए जाँच के लिए भेजा है और ये बताया गया है, SDM से अभी मेरी रिपोर्ट नहीं मिली है, वो बता रहे थे ग्राम समाज का जमीन से कब्जा हटाते वक्त कुछ लोगों ने आग लगा दी, वो जांच का विषय है, जब जांच होता है। खबर एवरा कटरा विकास खंड के बरौना कला के ही पंचायत हिंदूपुरा से है, जहां पूरे गांव में अभी तक एक भी शौचालय नहीं बनवाया गया, जिसके तहत वहां के ग्रामीण काफी आक्रोशित है। यहां सरकार की योजनाएं होने के बावजूद माताएं और बहनें, गाँव के लोग आज भी खेतों में शौच क्रिया के लिए जाते हैं। लोगों ने बताया कि काफी बार मामले को लेकर ब्लॉक के अधिकारियों व ग्राम प्रधान से कहा गया, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। शौचालय नहीं है साहब, जिन्हें टट्टी लेटरिंग कर ले जात, पकड़ पकड़ गोदी में ले जाए बैठा जाए, पूरे कहा गिर पत्ती है और बाकी नहीं बाजी ना जाए पाते, भी अकेली चली जाए तो गिर पत्ती खेत में कहा करें। मेरी यही है, जो एक गांव हरियर नगला पड़ोस में, एक गांव इधर बढ़ानी है, ग्राम पंचायत बरौना कला लगती है यहाँ पे, तो 2017 में 18 में जो शौचालय का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था समझे देश के लिए, तो उस अभियान में हमें छेद दिया गया है कि हम जाटल समाज के लोग हैं, इसलिए हमारे गांव में भेदभाव करके कोई शौचालय नहीं दिया गया है, इससे हमारी माताएँ बहनें को दुखी है, पीड़ित है, सुरक्षित नहीं है और गंदगी से आसपास के गांव गंदगी से गोबर से जो है ना फूड पॉइजन की आशंका, बीमारियां फैलती हैं और 80-90 साल की हमारी माता बहनें जो हैं, हमारी माई हैं, जो गिर जाती हैं असमर्थ है लैट्रिन करने में। गांव को नहीं रला मिलो, पूरे गांव में किसी को शौचालय नहीं दिया, तो आपने कहा अभी तक किसी से? खूब कई प्रधान सुनवाई दुनवाई नहीं है। जो आप इधर अभी खेतों से जा रही थी शौच क्रिया के लिए, क्या अभी आपको शौचालय नहीं मिला है? नहीं, हमको शौचालय नहीं मिला गांव में, और भी कोई किसी का एक हिंदू प्राम तो किसी का मिला ही नहीं है, आसपास गांव है इतने सब। कौन है प्रधान आपके यहाँ? हमारे लोगों के यहाँ पर इतनी समस्या है, हम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भी मतलब कुछ कर भी योग नहीं, हम लोगों को लैट्रिन की कोई सुविधा नहीं, हारी दुखारी हो जाते हम लोग खेतों में जाते हैं,
तो आपने कहा नहीं अभी किसी भाई, प्रधान से भाई क्या कहा, कोई सुना ही नहीं है। जाटा समाज के हम लोग कोई सुनता ही नहीं है। आज हम पहुंचे हालांकि एक गांव है जहां हिंदूपुरा गांव है, यहां लोगों का कहना है कि यहां अभी तक कोई शौचालय नहीं दिया है। इस विषय में आज हमारे साथ यहां की माताएं बहनें हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या समस्या है उनकी और क्या क्या उन्होंने अभी तक किसी अधिकारी से कहा जो यहां पे अभी तक कोई शौचालय नहीं दिया गया। क्या नाम है बहन जी आपका? राम बती। क्या अभी तक यहाँ पे कोई शौचालय वगैरह दिया गया? इस बारे में आपने अभी तक किसी से कहा? प्रधान से नहीं नहीं करता, हम लोग जाट हैं इसलिए। और भी कोई कॉलोनी वगैरह यहाँ तो मिली? हमको नहीं मिली कॉलोनी। आपका क्या नाम है? रचना। कहाँ के निवासी? हिंदूपुर। क्या यहाँ पे गांव में शौचालय वगैरह दिए गए? अरे कुछ नहीं सर, कोई चीज नहीं दी। फिर आप खेतन में जाते हैं तो आपने इस बारे में अभी तक किसी से कहा? जब आते हैं कोई अधिकारी कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी गरीब गुने की। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग परेशान यहाँ के हैं और अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है। लोगों का कहना है कि शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है वो मुहैया नहीं कराई गई है, तो कहीं ना कहीं लोग छूटे हुए हैं। आज कैमरामैन अमित शुक्ला, प्राइम टीवी औरैया। खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के बिखापुरे गांव में सोमवार को देर रात 13वीं संस्कार के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने 19 नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और पुलिस ने बिखापुरे गांव के हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक राइफल बरामद किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है पुलिस। 181/23 और 182/23 दोनों मुकदमे लिखे गए थे ग्राम भीकेपुर में। एक पुरानी रंजिश को लेकर दो व्यक्तियों की हत्या हुई थी। पहले रामवीर रजावत की हत्या बबलू सेंगर के द्वारा की गई थी, फिर ग्रामवासियों के द्वारा बबलू सेंगर को पीट के मार दिया गया था। इसमें दोनों अभियोगों में पूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के क्रम में 181 में, क्योंकि मुख्य अभियुक्त बबलू सेंगर थे जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई, शेष नामजद अभियुक्तों में से दो लोगों की प्रेजेंस उपस्थिति जनपद में नहीं पाई गई, जनपद से बाहर है वो लोग, और शेष जो अभियुक्त उसमें नामजद किए गए हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां चोरों ने अनोखे अंदाज से दो दुकानों को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि चोरों ने शिवराजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप और परचून की दुकान की छत को काटकर हाथ साफ किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिनांक 22-23 फरवरी 2023 की रात को शिवराजपुर थाना क्षेत्र में थाने के पास में ही एक विनोद कुमार वर्मा एक व्यक्ति है, उनकी दुकान है, एक परचून की दुकान है, एक सराफे की दुकान है। दोनों में जो छत है वो टीन का था जिसको काटकर चोरों ने दुकान में एंट्री ली। वादी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके कुछ चांदी के आभूषण चोरों द्वारा चुराए गए हैं, साथ ही जो परचूनी की दुकान थी उसमें से 10,000 कैश का ले जाया जाना चोरी होना बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सब उनसे तहरी लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना है। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।